आपको हर 7 दिन या 15 दिन के अंदर इसकी पॉपिंग करानी होगी, क्योंकि अब मैटर आता है कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए। आप ये वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको किस किस पार्ट पे लैमिनेशन कराने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो क्रोम है उसी के ऊपर रेड कलर का पेंट किया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्लासिक के सबसे टॉप एंड मॉडल क्लासिक 350 क्रोम रेड। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, क्लासिक क्रोम रेड लेने का प्लान कर रहे हैं। सो प्लीज़ बाइक लेने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको कुछ हेल्प कर दे। एंड मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करूँगा कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, क्योंकि ये स्टील बाइक से ज़्यादा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाला है, नहीं आने वाला। सो जानने के लिए बने रहे वीडियो में, करते वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। ओके फ्रेंड, दिस इज़ द ऑल न्यू क्लासिक 350 क्रोम रेड। एंड सीरियसली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा गाड़ी के फीचर्स एंड ये बाइक बाकी क्लासिक से क्यों डिफरेंस एंड क्या इसका प्राइस रहने वाला है। एंड आप प्लान कर रहे हैं क्रोम रेड लेने का, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप पहले देख ले, क्या पता आपको थोड़ा कुछ सजेशन मिल जाए वीडियो को देख करके। सो करते वीडियो स्टार्ट। ओके फ्रेंड, से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखती है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करते हैं इसके फ्रंट सेटअप से, तो आपको फ्रंट में ही नॉर्मल क्लासिक की तरह हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन में देखने को मिलते हैं, बट अच्छी बात यह जो प्रॉपर फिनिशिंग है आपको क्रोम में देखने को मिलती है। उसके अलावा फ्रंट में आप मडगार्ड देख सकते हो, मेरा फेस दिख रहा होगा इसमें, मेरा स्टैंड भी दिख रहा होगा। एक क्रोम कलर है क्योंकि बाइक का नाम ही क्रोम रेड है। उसके अलावा बीच में आपको एक रेड कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है, साइड में आपको ये गोल्डन कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है, जो पहले हैंडमेड हुआ करती थी बट अब ये मशीन से की जाती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रंट में 19 इंचेस का टायर देखने को मिलता है विद स्पोक्स। अब आप ये मत कहना कि यार टॉप एंड मॉडल में भी आप स्पोक्स दे रहे हो, क्योंकि यार स्पोक्स के बेनिफिट होते हैं कि अगर आप गाड़ी का जो स्पोक्स होता है, सॉरी टायर का जो स्पोक्स होता है, अगर वो लूज़ होता है तो आप उसको टाइट कर सकते हो। उसके अलावा बताना चाहूँगा आपको जो ये इंजन देखने को मिल रहा है, 349 cc का इंजन देखने को मिलता है उस, और इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो इंजन की जो हीट होता है, हीट जल्दी कंज्यूम नहीं करता ये इंजन। क्रोम कलर के जो इंजन होते हैं वो हीट को जल्दी कंज्यूम नहीं करते हैं, आपके जो ब्लैक कलर के इंजन होते हैं वो हीट को जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी है थोड़ा हीट कम मारेगी, क्योंकि इसमें आपको क्रोम कलर का इंजन देखने को मिलता है। अच्छी बात दूसरी है कि दोनों टायर्स में आपको डुअल डिस्क देखने को मिलता है। पिछला जो टायर है आपको 19 इंचेस का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है स्टैंडर्ड से। उसके अलावा आपको पीछे एक नॉर्मल छोटी सी रेड कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है, बाकी पूरी गाड़ी आपको क्रोम में देखने को मिलती है। अब मैटर आता है कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए, क्या मेंटेनेंस होने वाला है बाइक का। तो सीरियसली बताना चाहूँगा इस बाइक का मेंटेनेंस स्टिल्थ ब्लैक से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये पूरी बाइक है क्रोम में है। दूसरी बात, आपको हर 7 दिन या 15 दिन के अंदर इसकी पॉपिंग करानी होगी, क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल कपड़े से साफ करते हैं तो आपको स्क्रैच होने का डर हो सकता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने खुद ने बताया है। उसने जब ये बाइक लिया आज से 7 महीने पहले, तो उसने खुद ने इस बाइक पर लैमिनेट करवाया, क्योंकि वो कभी कभी कुछ सामान रखता है तो यहाँ पर स्क्रैच हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ये वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको किस किस पार्ट पर लैमिनेशन कराने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लैमिनेशन कराना होगा। उसके अलावा ये जो क्रोम सेक्शन देख रहे हो उस पर भी आप लैमिनेशन करा सकते हो। उसके अलावा आप किसी पार्ट पे ना कराएं, बट एक चीज़ आप ज़्यादा ध्यान रखें, क्रोम कलर के जो पार्ट ज़्यादा हैं इनको ज़्यादा वॉश ना करें आप। इनकी आप जितनी पॉपिंग करोगे उतना अच्छा रहेगा, वॉश करोगे तो जंग पकड़ने का डर रहता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा इसको धोया था 7 मंथ्स में, तो थोड़ा थोड़ा जंग पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको एक फीडबैक दे रहा हूँ, बाकी गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है दूर से दिखने में भी। ऐसा नहीं है कि शोरूम में खड़ी तो ही अच्छी लग रही है, लिटरली अगर ये रोड पे चलेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। बट उससे पहले आप इसके मिरर्स को हटा लेना, सीरियसली इसके मिरर्स को हटा लेना। एंड इसमें लुक के लिए आप ओक्टक इंजन गार्ड लगवा सकते हैं, सम गार्ड लगवा सकते हैं, उससे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। और एक सजेशन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप सोलो राइडर हैं, आप सोलो चलाते हैं, तो प्लीज़ आप इसकी सीट हटवा लें, सीट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा आप इसमें स्प्रिंग लगवाओगे तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगेगी। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ ये इंटरसेप्टर 650 से मिलती हुई जुलती है, क्योंकि इंटरसेप्टर 650 का आप टॉप एंड मॉडल देखते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको लोगो एंड रेड कलर का पेंट एंड क्रोम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो पेंट की जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बताना चाहूँगा ये जो पेंट है ना, ये क्रोम के ऊपर ही हुआ है, ये जो क्रोम है उसी के ऊपर रेड कलर का पेंट किया हुआ है। बाकी तो आप सबको पता है नॉर्मल फीचर्स हैं, ये आपका स्पीडोमीटर होता है, ये आपके
थोड़ा सा डिजिटल दिया हुआ है, आप फ्यूल का पता लगा सकते हो यहाँ पे। आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे नेविगेशन लगवा सकते हो, बाकी जो इनफील्ड के इन मॉडल्स में आप नेविगेशन नहीं लगवा सकते क्योंकि इसमें ही आपका नेविगेशन लगेगा। तो यार अकॉर्डिंग टू मी गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि शोरूम में खड़ी तो ही अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं क्या प्राइस रहने वाला, तो इसका जो प्राइस है 2,23,000 के समथिंग ये बाइक का प्राइस होने वाला है, एंड जो बेस मॉडल है उसका प्राइस होने वाला है 2,02,000 रुपीज़ का, 20,000 रुपीज़ के समथिंग इसका डिफरेंस आने वाला है। जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ कलर का है और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत माइनस हैं, जस्ट लाइक आपका पिछला है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, एंड जो ये ब्रेक पेडल है, ब्रेक पेडल आपको नीचे से देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है सिर्फ बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल में, बट अच्छी बात ये है कि ये आपको ऊपर से देखने को मिलता है, तो जो आपका जो 2-3 महीने में टच होने लगता है वो टच नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो कलर है ना यार वो काफ़ी अच्छा है, देखो ये बिल्कुल मिरर कलर है, तो आप इस पर लैमिनेशन कर लोगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बाकी अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए किसी कस्टमर का तो वो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है, एंड वहीं पे साइड में कुछ इस कलर का बटन होगा उसको आप प्रेस करें एंड शेयर करना ना भूलें। सो मिलेंगे फिर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।